राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तैयारियां अपने चरम पर है। चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है, तो वही निर्वाचन विभाग भी समावेशी और निष्पक्ष चुनाव के लिए बिना किसी रुकावट के साथ काम कर रहा है। इस बीच वोटिंग से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है, जिसमें निर्वाचन विभाग होम वोटिंग की पहल कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के नवाचार के तहत राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा मिलने जा रही है। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के योग्यजन मतदाताओं को पहली बार होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। इस नवाचार के तहत पात्र 18 लाख से अधिक मतदाताओं को विकल्प के तौर पर होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी की ओर से सभी मान्यता प्राप्त कर राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। वही गठित मतदाता दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएगा। लेकिन गौरतलब है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12,13,817 मतदाता और विशेष योग्यजन के रूप में 5,95,000 मतदाता पंजीकृत है। वही अगर हम जयपुर के 19 विधानसभा सीटों की बात करें, तो आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जयपुर जिले में मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी गई है। मतदाताओं की संख्या 48,43,712 से बढ़कर 39 लाख के पार हो गई है और इस बार 73,814 नए मतदाता विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। जयपुर जिले के कुल 19 विधानसभा सीटों पर 39,17,526 मतदाताओं के नाम इस बार दर्ज है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। और अगर जयपुर में ही हम झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सर्वाधिक 17,393 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से सबसे ज्यादा 18,110 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जयपुर में मतदाताओं की सूची में 40 नए ट्रांसजेंडर्स के भी नाम जोड़े गए हैं। नए नाम जोड़ने के बाद कुल मिलाकर जयपुर जिले की मतदाता सूची में 75 ट्रांसजेंडर मतदाताओं के नाम शामिल हो गए हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में 17 साल आयु वर्ग के मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए 28,535 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आगामी 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को इन नवीन मतदाताओं का पंजीकरण सूची में किया जाएगा और इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करने का आग्रह भी किया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान केंद्रों पर रैंप बनाए जाते हैं, तो बुजुर्गों की मदद के लिए व्हीलचेयर सहित अन्य इंतजाम भी किए जाते हैं। मतदान केंद्र पर वॉलंटियर भी तैनात रहते हैं, उसके बाद भी लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। चुनावों के दौरान अक्सर कई ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां परिजन विकलांग और बुजुर्गों को कंधों या खाट पर बैठाकर मतदान केंद्र तक लेकर आते हैं। ऐसे में मतदान के दौरान होने वाली इस परेशानी को देखते हुए निर्वाचन विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा को काम में लेना चाहते हैं, तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर BLO को फॉर्म 12D भरकर देना होगा। सभी राजनीतिक दलों को इन मतदाताओं की सूची भी दी जाएगी। पोस्टल बैलेट के जरिए मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। इसके तहत मतदाता घर बैठे वोट डाल सकेंगे। मतदाताओं के लिए राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की पहल की गई है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।